आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हीट करंट के बारे में और थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। साथ में हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनके किसके थर्मल कंडक्टिविटी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए समझते हैं हीट करंट या फिर थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर चार्ज को फ्लो कराना है तो आपको उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है दो एंड्स पे। मान लीजिए कि हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये वाला एंड ए, ठीक है, और ये वाला एंड जो है वो है बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और बी। अब इसके अक्रॉस अगर चार्ज फ्लो करेगा, मान लीजिए कि इसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो कौन कराता है, किसकी मदद से करते हैं, इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करते हैं। इनके क्रॉस सेक्शन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ है वो जितना ज़्यादा होगा चार्ज जो है उतना ज़्यादा फ्लो करेंगे। अभी अगर चार्ज ज़्यादा फ्लो करेंगे तो करंट ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये बोला गया है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो होगी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। इसी तरीके से हीट भी तो फ्लो करता है कंडक्टर में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। वहाँ था पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। मान लो कि ये इस एंड पे टेम्परेचर T1 है और ये है हॉट एंड, यहाँ पे टेम्परेचर है T2 और ये है कोल्ड एंड, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो करता है, Q फ्लो करता है। Q क्या था, हीट। हीट जो है वो आगे की ओर फ्लो करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनेगा कि द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड हीट करंट। जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हो गया चार्ज के फ्लो करने की वजह से, इसी तरीके से यहाँ पे हीट करंट हो गया हीट के फ्लो करने की वजह से। ओके, तो जो हीट करंट का फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है क्यू डिवाइडेड बाई टी। ध्यान दे, एच है हीट करंट और क्यू है हमारे पास केवल हीट, ये करंट नहीं है। तो हीट जब समय के हिसाब से फ्लो करता है तो करंट बना देता है, क्या बना देता है, करंट बना देता है, उसी को आप कहते हो हीट करंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हीट करंट का फॉर्मूला है, ठीक। इसकी एसआई यूनिट की जब बात करते हैं तो ये होता है वॉट या फिर जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जब हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे या फिर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है, एक हिंड्रेंस या एक ऑब्स्टिकल होता है उस चार्ज को फ्लो करने में, कुछ ना कुछ मुसीबत तो आती आती है, ठीक है। अब मान लीजिए चार्ज फ्लो कर रहा है, ये चार्ज अगर स्मूथली फ्लो ना कर पाए तो रीजन क्या होता है इनका स्मूथ ना फ्लो करने का, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर यहाँ पे क्यू फ्लो कर रहा होता और अगर ये क्यू भी ठीक से फ्लो ना कर पाए तो उसका कारण क्या है, रेजिस्टेंस। तो जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और उसका फॉर्मूला बन के आता है V बाई आई, इसी तरीके से यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा। जरा इसके रेजिस्टेंस को समझ ले, जैसे कि दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे दिख रहा है आपको पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरीके से जो रेशियो आता है टेम्परेचर डिफरेंस का बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द हीट करंट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये दिख रहा है R, R जो है वो रेजिस्टेंस है बट किसका है, हीट करंट का, तो इसको आप कहते हो थर्मल रेजिस्टेंस। तो दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है जो भी चेंज इन टेम्परेचर है डिवाइडेड बाई हीट करंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई हीट डिवाइडेड बाई करंट, इसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई हीट करंट। देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये ना हमारे पास कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन ए और बी बना लो। शुरू में मानो कि यहाँ पे पोटेंशियल सेट है, ठीक है, और ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे टेम्परेचर T1 और T2 है, ठीक, T1 और T2 मान लो यहाँ पे। चलो अब देखो होता क्या है कि जब इस इन पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट जो है आगे की ओर फ्लो करते हैं, क्या फ्लो करते हैं, करंट। मान लो यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो क्या डेवलप कर रहे हैं, करंट, और यहाँ पे हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपको रेजिस्टेंस जानना है तो सोच के देखो कि इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आया, करंट आया, तो वो बन गया रेजिस्टेंस। सिमिलरली इन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या आया, करंट आया, हीट करंट आया, तो उसे आप कहोगे थर्मल रेजिस्टेंस। समझ गए अच्छे से, ओके। अब देखो आगे फॉर्मूला हो जाता है और भी इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था कि Q is equal to Ka multiplied by delta T divided by delta X into में T। अच्छा, ये जो फॉर्मूला था ये हमने थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर पढ़ा था, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ क्लब करके ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब आप यहाँ पे सोचो कि Q is equal to Ka delta T divided by delta X into में T है, और साथ में आपने यहाँ पे ये भी पढ़ा है कि H is equal to Q by T होता है, ठीक है। तो अब आप इनकी वजह से एक डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हो,
कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है ना ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दो। क्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, क्यू की वैल्यू ये पुट करोगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने थर्मल कंडक्टिविटी में पढ़ा। तो इस क्यू को आप पुट कर दो यहाँ पे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू दिख रही है ये वाली सारी वैल्यू ना इस क्यू की जगह पे पुट कर दो। इस टी से ये वाला टी कट जाएगा और ओवरऑल आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आंसर हमारा ये निकल के आ गया। ठीक, अब ये हमारा एच जो है वो निकल के आ गया। अब आप देखो, आप निकाल रहे थे यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस में आपने एच निकाल लिया ये वाली वैल्यू। अब इस वाले वैल्यू को वापस पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, समझ गए अच्छे से, इस वाले वैल्यू को एच की वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ पे, तो फाइनल जो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है आफ्टर सॉल्विंग दैट एक्सप्रेशन। तो आई होप आप वीडियो पॉज करके एक्सप्रेशन सॉल्व कर लोगे, समझ गए। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जितना ज़्यादा कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है, स्मॉलर इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, ये देख रहे हो के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर एच के, और आर एच क्या था, थर्मल रेजिस्टेंस था, और के क्या था, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये चीज़ समझ गए। अब यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं एक बार। तो यार यहाँ पे देखो, जो थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन और यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है के वॉट इनवर्स, और के क्या है यहाँ पे, के जो है वो है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे डायमेंशन की बात कर ले तो डायमेंशन के केस में आपके पास ये सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये है डायमेंशन फॉर्मूला।